ये पंचायत राज व्यवस्था में, म्युनिसिपैलिटी व्यवस्था में तो महिलाओं का आरक्षण हो गया, मगर धीरे धीरे विधानसभा और धीरे धीरे लोकसभा, इसमें भी धीरे धीरे क्या, बहुत देर हो गया ऑलरेडी, यहाँ भी उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। आज के विशेष अतिथि श्री अजित कुमार पांडे जी एवं स्वागताध्यक्ष डॉक्टर पी एस पांडे जी, लेखिका डॉक्टर साधना पांडे जी और पधारे हुए सभी विद्वान भाइयों बहनों, ये बहुत ही सुखद विषय है और मेरा मानना है कि ये युग नारियों के लिए स्वर्णकाल है, स्वर्ण युग है, जहां नारी के अधिकारों की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, आगे बढ़ाने की बात होती है और ऐसे में हमारे महामहिम भी इस मुहिम में आगे खड़े दिखाई देते हैं तो हमारा हौसला बहुत बढ़ जाता है। जब से हमें एक प्रेरणा मिली कि जिस रास्ते पे देश जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, जमीन से आसमान तक की यात्रा में न सिर्फ महिलाएं हमारे साथ हैं बल्कि आगे निकलने की कोशिश में है, तो ऐसे में इस पुस्तक का आना बहुत जरूरी है और विद्वान लेखिका डॉक्टर साधना पांडे जी ने जिस आंकड़े के साथ एक मार्गदर्शन किया है कि कैसे हम महिलाओं को, आदियावादी को आगे बढ़ाएं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें, ये निश्चित ही बहुत सराहनीय है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने समय दिया और इस पुस्तक को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, प्रेरित करें, बहुत बहुत धन्यवाद।